टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के जनपद बुलंदशहर में डीएम के निर्देशानुसार खनन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। बावजूद इसके खुर्जा क्षेत्र में खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। खनन विभाग ने आज अवैध रूप से खनन करके ले जा रहे बालू रेत से भरे दो हाईवा और एक ट्रॉला खुर्जा नगर के जेवर अड्डा चौराहे पर पकड़े। अधिकारी डॉक्टर दीपक का कहना है, डीएम के आदेश पर जनपद में खनन पूरी तरह से बंद है, जबकि आज सूचना मिलने पर विभागीय टीम खुर्जा पहुंची, जहां उन्होंने बालू से भरे ट्रॉला और दो हाईवा जो वाहन बिना रॉयल्टी के चल रहे थे उन्हें कब्जे में लेकर पुलिस को सौंप दिया है। अधिकारी ने कहा कि खनन माफियाओं के खिलाफ विभाग की तरफ से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनपद में अवैध खनन पे तो पूरी तरह से रोक है, लेकिन कहीं कहीं जब अवैध खनन की शिकायत मिलती है तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं। अभी जो है कि सूचना मिली थी कि खुर्जा नगर क्षेत्र में कुछ गाड़ियां आ रही हैं अवैध खनन से संबंधित, तो हमने अभी एक ट्रैक्टर जो अभी मैंने खुर्जा नगर थाने में बंद कराया और दो बड़े बड़े हाईवा वो भी खुर्जा नगर थाने में बंद करा दिया जो बिना रॉयल्टी के आ रहे थे, और इस पर अब नियमानुसार हमारे विभाग से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब डीएम ने खनन पर रोक लगाई हुई है, बावजूद इसके खनन माफिया अपने काम को अंजाम दे रहे थे। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।